पीएम मोदी के गुजरात दौरे की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण की घोषणा के बाद जब पीएम मोदी पहली बार गुजरात आए तो मध्य गुजरात की 80 महिलाओं ने उन्हें धन्यवाद दिया। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर आए हैं। साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात की 20 साल की सफलता के जश्न में भाग लेने के बाद पीएम मोदी ने छोटा उदयपुर के बोडेली में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसके बाद अब वह बड़ौदा पहुंचे हैं, जहां मध्य गुजरात की महिलाओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहां पीएम मोदी ने घमंडिया गठबंधन पर निशान साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप ऐसा ना मानिएगा, ये लोग सुधर गए हैं, आपका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि किसी को भी यह बिल पास करना पड़ा, नहीं तो इतने सालों से यह बिल को अटकाने का हेतु जितने खेल हो सके इन लोगों ने किए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि आप उनके रिकॉर्ड देख लेना, कैसे कैसे बहाने बनाए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ दे और फिर नौटंकी चले। एक और कहते हैं कि हम बिल लाए हैं तो दूसरी ओर उसने ही फाड़ दिया। यह इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है, अब इन्होंने महिलाओं में विभाजन करने का काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, वडोदरा मतलब मेरा सभ्य शहर, वडोदरा मतलब मेरा उत्सव शहर, वडोदरा मतलब मेरे उत्साह का शहर। उन्होंने आगे कहा कि मेरा एक अनुरोध है, 2 अक्टूबर को जन्म है, महात्मा गांधी की जयंती और 1 अक्टूबर से जब स्वच्छता अभियान चलाना है तो इस अभियान को चलाना ही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी ने शिरकत की। मंच पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। गुजरात को लेकर विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने क्या साधा निशाना। गुजरात में वाइब्रेंट समिट की शुरुआत के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी समिट ऑफ सक्सेस कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं नहीं हम जरूर आएंगे, तो ताने पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। विपक्ष पर गुजरात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधते कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत ऐसे वक्त पर हुई थी तब की केंद्र सरकार बेरुखी दिखाती थी। केंद्र सरकार के मंत्री समिट में नहीं आते थे, विदेशी निवेशकों को डराया और धमकाया जाता था। इसके बाद भी विदेशी इन्वेस्टर गुजरात आए, जबकि उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश की गई, संकटों के बीच गुजरात को बाहर निकाला। मैंने वाइब्रेंट गुजरात समिट के आयोजन को रुकने नहीं दिया। पूरा विश्व मंदी के दौर में था, लेकिन समिट ने सफलता अर्जित की। 2003 में इस समिट में कुछ सैकड़ों लोग आए थे, आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट आते हैं। आज 135 देश वाइब्रेंट समिट में शिरकत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजकोट में कप्तान रोहित शर्मा का आईफोन हुआ चोरी, मैच प्रैक्टिस के दौरान हुआ गायब, जाने कैसे हुई वारदात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच का कार्यक्रम हुआ। यह मैच गुजरात के राजकोट शहर में खेला गया, लेकिन मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम के कप्तान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राजकोट में कैप्टन रोहित शर्मा का आईफोन चोरी हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फैंस इस बात से हैरान है कि राजकोट में खेले जाने वाले वनडे मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा का आईफोन चोरी हो गया। दरअसल खबर आई थी जब भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही थी और बाद में जब कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो आईफोन चोरी हो गया। हालांकि इस मामले में
अभी तक कोई आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी वनडे मैच का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट के खंडेरी स्टेडियम में मैच का कार्यक्रम हुआ। टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 मेंबर की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महिला आरक्षण बिल को लेकर नीतीश और तेजस्वी पर तंज कसा है। साथ बिहार में कैसे लोग वोट देते हैं उस पर भी विस्तार से बताया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं अंदर की बात। देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बयान जारी कर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो आंदोलन करना चाहता है उन्हें करने दीजिए, उनको मतलब है कि इसमें राजनीति होती रहे और कुछ न कुछ करके इसमें अपनी रोटी सेकते रहे। महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार और देश में आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करना चाहिए या नहीं, इस सवाल पर पीके ने कहा कि आरजेडी और जेडीयू से जरा पूछिए कि आपने पार्टी में कितनी ओबीसी महिलाओं को टिकट दिया है। जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो बीजेपी के डर से लाल टैन को वोट दे रहे हैं। इनको न जाति से मतलब है न काम से, मतलब है इनको सिर्फ एक चीज से कि बीजेपी हारनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वोट 4 वजह से पड़ता है। पहला जाति है, दूसरा है धर्म, तीसरा लालू के डर से लोग बीजेपी को वोट देते हैं, चौथा जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो बीजेपी के डर से लाल टैन को वोट देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए उसके समर्थकों ने जोधपुर में पैदल मार्च यात्रा निकाली गई। क्यों वसुंधरा राजे के समर्थन तीसरी दफा सीएम कैंडिडेट के तौर बनाने की मांग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है। बीजेपी कांग्रेस सहित अन्य दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच जोधपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों ने तीसरी बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की दावेदारी मिले इस कामना को लेकर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। जोधपुर में वसुंधरा समर्थक नेता जुगल पवार के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। जोधपुर की सड़कों पर डीजे के साथ इस पद यात्रा को निकाला गया। यात्रा पूरी करने के बाद 291 किलो प्रसाद का भोग पाल बालाजी के मंदिर में चढ़ाया गया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे जुगल पवार ने दावा तो सैकड़ों समर्थकों की पैदल यात्रा का किया था, लेकिन जोधपुर के बीजेपी कार्यकर्ता ने इस यात्रा से दूरी बनाए रखी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक विधानसभा चुनाव 2023 में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं, इसीलिए वसुंधरा राजे के फैन उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दावा कर रहे हैं कि यह राजस्थान है, इसीलिए अशोक गहलोत की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 156 सीट ला सकती है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी राजे को सौंपी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार से बड़ी मांग की है। अजित पवार द्वारा उठाया गया मुद्दा कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। क्या असमंजस में फंसी बीजेपी? अजित पवार के सवाल पर क्यों एकनाथ शिंदे गुट चुप है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शिक्षा में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा, जिससे उनके सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ गई। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर एक और जहां शिवसेना शिंदे गुट चुप है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी असमंजस भरी स्थिति पैदा हो गई है। बीते दिनों पवार ने बैठक में कहा था कि अब्दुल सत्तार और एक अन्य मंत्री हसन मुशरिफ की राय थी कि मुस्लिमों को आरक्षण मिले, और चूंकि यह 3 दलों की सरकार है, इसीलिए मैंने उसको कहा कि मैं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखूंगा और आगे का रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। वही राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजित पवार गुट इस बात से बखूबी वाकिफ है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के अलावा जूनियर पवार पर भी निर्भर है। इस मुद्दे का असर अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। NCP EP की नजर
नजर मुस्लिम वोटों पर है जो राज्य के कई निर्वाचक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में एक समन भेजा गया है। सीएम सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 4 अक्टूबर के लिए समन भेजा है। रिपोर्ट के अनुसार हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी। इस मामले में ईडी ने झारखंड में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी शामिल है। सोरेन को ईडी ने शुरुआत में 3 नवंबर 2022 को तलब दिया था, लेकिन वह सरकारी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे। ईडी भूमाफिया वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित भूमि घोटालों में संबंध में सीएम से पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने सोरेन से राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में पिछले साल 17 नवंबर को 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। केंद्रीय एजेंसी एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है, जिनमें रक्षा भूमि से संबंधित एक सौदा भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। नारा लोकेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने गिरफ्तारी को सत्ता का दुरुपयोग बताया है, साथ ही जेल प्रशासन की लापरवाही को भी बताया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू राज्य के स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में जेल में बंद है। इस बीच उनके बेटे नारा लोकेश ने जेल में मच्छरों को लेकर चिंता जताई। उन्हें डेंगू का डर सता रहा है। नारा लोकेश का कहना है कि जेल में काफी ज्यादा मच्छर है और इन दिनों डेंगू जिस तरह फैल रहा है उसको देखते हुए उन्हें चंद्रबाबू नायडू की चिंता सता रही है। एन चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। 9 सितंबर को आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया था। उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी में राजमुंद्री सेंट्रल जेल में रखा गया है। नारा लोकेश का ये भी कहना है कि कुछ दिन पहले राजमुंद्री जेल में एक कैदी की डेंगू की वजह से मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश टीडीपी के अध्यक्ष किंजारपू अतचनेडू ने भी जेल में मच्छरों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जेल में काफी ज्यादा मच्छर है और इन्होंने वहां एक कैदी की जान भी ले ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में लालबागशा राजा में पूजा अर्चना की। इससे पहले बॉलीवुड के सभी सितारे बप्पा के दर्शन कर चुके हैं। कैसा रहा माहौल और कैसे लालबागशा राजा का होगा विसर्जन? महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के मौके पर जगह जगह पर पंडाल लगाए गए, जहां गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमट पड़ी। इसी बीच बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार भी मुंबई पहुंच गए, जहां उन्होंने गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान लाल बागचा राजा में पूजा अर्चना की। शहर के नागरिक निकाय ने कहा कि 10 दिवसीय उत्सव के 7वें दिन पूरे मुंबई में विभिन्न जल निकायों में भगवान गणेश और देवी गौरी की 5000 से अधिक मूर्तियों का विसर्जन किया गया। बीएमसी के अनुसार पूरे महानगर में कल रात 9 बजे तक भगवान गणेश और देवी गौरी की कुल 5085 मूर्तियों को विभिन्न जल निकायों में विसर्जित किया गया। एक नागरिक अधिकारी ने कहा, कुल मूर्तियों में से 1949 को नगर निकाय द्वारा स्थापित कृत्रिम तालाबों में विसर्जित किया गया। बीएमसी ने 69 प्राकृतिक जल निकाय निर्धारित किए हैं। इस वर्ष मूर्तियों के विसर्जन के लिए 191 कृत्रिम तालाब स्थापित किए गए। बता दें कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी उत्सव 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा शादी के बंधन में बंध गए हैं। अब ये कपल ग्रैंड रिसेप्शन देने वाला है, जिसके इनविटेशन कार्ड की तस्वीरें भी वायरल हो रही है। कब और कहां रिसेप्शन का आयोजन होने वाला है?
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप सांसद राघव चड्ढा की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस कपल ने 24 सितंबर को उदयपुर के द लीला पैलेस में 7 फेरे लिए थे। परिणीति और राघव की शादी में कुछ खास लोग ही शामिल हुए थे। परिणीति के कुछ खास दोस्तों के अलावा राजनीति की दुनिया के भी कई लोग शामिल हुए थे। परिणीति और राघव दो रिसेप्शन होस्ट करने वाले थे, एक चंडीगढ़ और एक मुंबई में रखा जाएगा, जिसमें परिणीति और राघव के दोस्त शामिल होंगे। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में भी एक रिसेप्शन होने वाला था जिसमें सारे राजनेता शामिल होने वाले थे, लेकिन अब प्लान में चेंज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब सिर्फ एक रिसेप्शन होस्ट किया जाएगा, वो भी मुंबई में। दिल्ली और चंडीगढ़ की पार्टी को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। परिणीति और राघव मुंबई में अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी होस्ट करेंगे। ये पार्टी 4 अक्टूबर को मुंबई में होगी। परिणीति और राघव के रिसेप्शन में ज्यादातर एक्ट्रेस शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।